अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको रियल आसान प्रॉपर्टी में। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रीन रेजिडेंशिया इस्लामाबाद में, जो कि इस्लामाबाद के खूबसूरत इलाके ठंडा पानी में वाक़ है। हर इंसान की ये कोशिश होती है, ये ख्वाहिश होती है कि मुझे कम बजट में अच्छी जगह पे प्लॉट मिल जाए। तो हमारी आज की वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है जो कि कम बजट में एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं। व्यूअर्स, ग्रीन रेजिडेंशिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी, बिजली, पानी, गैस, इसके अलावा कमर्शियल एरिया, मस्जिद, स्कूल, पार्क। और जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो आपको रोड्स और गलियाँ मिलेंगी वो भी काफ़ी कुशादा हैं। रेट इंतहाई रिजनेबल है अभी भी, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है रेट भी उसी तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इस वक्त हमारे पास बड़ी अच्छी इन्वेंट्री पड़ी हुई है जिसमें 2.5 मरला, 3 मरला और 5 मरला की ऑप्शंस हैं। वैसे जो ग्रीन रेजिडेंशिया के अंदर प्लॉट्स की कटिंग है वो 4 मरला, 5 मरला, 7.5 मरला और 10 मरला की है, लेकिन इस वक्त हमारे पास महदूद ऑप्शंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2.5 मरला और 3 मरला के भी मौजूद हैं। खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे, और सबसे जो अच्छी बात है कि रोड एक्सेस बड़ा इजी है, मतलब मेन रोड से 3 से 4 मिनट की पैदल वॉक है। ग्रीन रेजिडेंशिया एक ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि जहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आबादी हो तो फिर जो है वो आप घर बनाएं, फौरी प्लॉट ख़रीदें और घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करें। व्यूअर्स, रेट के हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत हमारी ड्रोन फुटेज। मिनिमम जो स्ट्रीट साइज़ है वो 25 फीट है, यानी 25 फीट की जो कम से कम स्ट्रीट है उसका साइज़ है। और इसकी ऑपोजिट साइड पे रॉयल सिटी, लेफ्ट साइड पे आपका फेडरल टाउन आ जाता है। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।